उन्होंने बोला है 6 हफ्ता बेड रेस्ट रहना है उनको, तो हम ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन लगने का डर है हमको। फिर अच्छे से खा पी के इनको तंदुरुस्त करके फिर नचवाएंगे। आज यानी शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। इस खबर से फैंस काफी खुश हैं। आखिरकार गोविंदा के लिए की गई उनकी प्रार्थना सफल रही। गोविंदा को डिस्चार्ज करवाने के लिए बीवी सुनीता आहूजा अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्हें एक्टर की हेल्थ अपडेट दी। सुनीता आहूजा का कहना है कि पैर में गोली लगने के कारण वो खड़े नहीं हो सकते। उन्हें डॉक्टर्स ने 6 हफ्तों के लिए बेड रेस्ट कहा है। उनका कहना है कि खुशी की बात है कि गोविंदा नवरात्रों में घर जा रहे हैं। खड़े नहीं लेकिन वो आएंगे अभी, तो आप गाड़ी में बैठ के आपसे बात करवा दें, उनको डिस्चार्ज कराने के लिए आई हूँ। 7 बज गए, इससे सबसे बड़ी खुशी और क्या है? और नवरात्रा के बीच में ही जा रहे हैं ना घर, से बड़ा खुशी क्या मिलेगा? मतलब घर पे थे, अभी बीमार है तो क्या तैयारी करे, अभी नवरात्रा चल रहा है, पूजा प्रार्थना चल रहा है घर पे। उन्होंने बताया कि घर पर ज्यादा किसी को गोविंदा से मिलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा है। यहाँ से उनको घर लेके जाएंगे, घर में भी डॉक्टर ने बोला है 6 हफ्ता बेड रेस्ट रहना है उनको, तो हम ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन लगने का डर है उनको, तो उनको अभी आराम करना है। इतना साल नाचेगा है ना, तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है। घर पे सिवाय पूजा पाठ के कुछ नहीं चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, वहाँ पे भी पूजा प्रार्थना चल रहा है, मैं अभी घर से पूजा करके ही आई। हम नहीं कर सकते तो वी शुडंट पुट ऑन वेट, तो इसलिए अभी सिर्फ अच्छे से डाइट और रेस्ट के लिए बोला। स्पेसिफिक डाइट वो तो डाइट हम देंगे। मैम की सुनीता आहूजा ने कहा कि गोविंदा के घायल होने की खबर से वो काफी डर गई थी, लेकिन उन्हें माता रानी पर पूरा भरोसा था। देखो डर तो लग गया था, लेकिन फिर मुझे माता रानी पे इतना भरोसा है कि मुझे पता था इसको कुछ नहीं होगा, वो ऐसे भी हीरो नंबर वन है, गोली भी निकल गई उसको निकाल छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। और बस सबका आशीर्वाद है, अब बस माता रानी इनको जल्दी ठीक कर दे। 6 हफ्तों तक इनको बेड रेस्ट बोला है, फिर अच्छे से खा पी के इनको तंदुरुस्त करके फिर नचवाएं। इससे पहले शिल्पा शेट्टी भी गोविंदा से मिलने अस्पताल पहुंची थी। गौरतलब है कि गोविंदा को बीते दिनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल लाया गया। फिलहाल गोविंदा की हालत में काफी सुधार है। गोविंदा को ICU से नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। इस मौके पर उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है, जहां कृष्णा विदेश में होने की वजह से मामा को मिलने नहीं आ पाए थे, वे उनकी बीवी कश्मीरा मामा का हालचाल लेने अस्पताल पहुंची थी। आरती सिंह भी काफी परेशान हालत में पति के साथ मामा से मिलने अस्पताल आई थी। वहीं एक्टर के फैंस उन्हें सही सलामत देख काफी खुश हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।